ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट में हम देने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस बताना 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, आप अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप चाहते हो आपको इसी तरीके से डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, जीके रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे, आपको नीचे रेड कलर का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लेना है जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है जिससे आपको आने वाली वीडियो का लाभ हो सके। क्वेश्चन है आपका, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक आईटी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें आपका आंसर है संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड ऑर्डर ऑफ टोमिसुलाव से सम्मानित किया गया है। इसमें आपका आंसर है क्रोएशिया। क्रोएशिया ट्रोमिसुलाव से सम्मानित किया गया है। इसमें आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सरकार की स्वामित्व वाली किस इकाई ने 27 मार्च 2019 को सफलतापूर्वक एक एंटी सैटेलाइट A-S-80 मिसाइल परीक्षण किया गया है। इसमें आपका आंसर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मिसाइल परीक्षण किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में UNDP द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में पिछले 10 वर्ष में भारत की निर्धनता दर 50% से होकर कितनी हो गई है। इसमें आपका आंसर है 28% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशन का पालन नहीं करने पर PNB पर कितने करोड़ का जुर्माना लगाया। इसमें आपका आंसर है 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। PNB पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भारत और किस देश ने देश दर देश CBC रिपोर्ट के आदान प्रदान के लिए 27 मार्च 2019 को नई दिल्ली में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें आपका आंसर है अमेरिका सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। इसमें आपका आंसर है ताई पोई में आयोजन चैंपियनशिप का स्थान किया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थ की अवैध तस्करी से लेकर निपटते हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दी है। इसमें आपका आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को निपटने के लिए समझौते को मंजूरी दी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 में कितने कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित किया है। इसमें आपका आंसर है 2.299 MT कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जित किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मलालया की जानी मानी लेखिका और कवियत्री आशिका का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपका आंसर है 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मैगजीन के द्वारा जारी की गई अरबपतियों की सूची संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले 5 NRI शामिल है। इसमें आपका आंसर है फोर्ब्स मैगजीन में 5 NRI शामिल है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रक्षा इंटरसेप्टर मिसाइल A-S-80 को निम्नलिखित में से किस मिशन के लिए विकसित किया गया है। इसमें आपका आंसर है मिशन शक्ति के लिए विकसित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किसे 27 मार्च 2019 को भारतीय नौसेना संचालन का महानिर्देशक चुना गया है। इसमें आपका आंसर है एम ए हैप्पी होली को महानिर्देशक चुना गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस देश ने दुनिया में सबसे पहले एंटी सैटेलाइट तकनीक का परीक्षण किया गया है। इसमें आपका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने एंटी सैटेलाइट तकनीक का परीक्षण किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 43.4 करोड़ डॉलर की लागत से किस देश में बने डेरजल रोज म्यूजियम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसमें आपका आंसर है कतर। कतर में म्यूजियम हाल ही में उद्घाटन किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु हमलों में रक्षा के लिए किस देश ने पहली साल्वो मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इसमें आपका आंसर है अमेरिका ने मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस देश के खोजकर्ताओं ने हाल ही में अपने देश में दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज की है। इसमें आपका आंसर है इसराइल ने सबसे लंबी नमक गुफा की खोज की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पर्यटन मंत्री मनोहर
अजगावकर को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? इसमें आपका आंसर है गोवा का, गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किस देश की वायुसेना ने चियुनूक हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है? इसमें आपका आंसर है भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल कर लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक सर्वे के मुताबिक कौन सा एयरपोर्ट लगातार 7वें वर्ष दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? इसमें आपका आंसर है चांगी एयरपोर्ट, चांगी एयरपोर्ट सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें प्रसिद्ध लेखिका कृष्ण सोमवती जिनका इसी साल निधन हो गया है उन्हें किस भाषा साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? इसमें आपका आंसर है हिंदी, हिंदी उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपका आंसर है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2019 समारोह का विषय क्या है? इसमें आपका आंसर है सूर्य पृथ्वी और मौसम, सूर्य पृथ्वी और मौसम समारोह का विषय है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यूएन संस्था OCHA के मुताबिक किस अफ्रीकी देश में चक्रवात हवाई चक्रवात इडाई के कारण तकरीबन 18.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं? इसमें आपका आंसर है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक लोग प्रभावित हुए हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने अवैध तरीके से बाइक टैक्सी का संचालन करने को लेकर ओला पर कुल 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसमें आपका आंसर है कर्नाटक सरकार ने 15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश ने 26 मार्च 2019 को तिब्बत में लोकतांत्रिक सुधार और पिछले 6 दशकों में विकास के छलांग पर एक श्वेत पत्रकार जारी किया है? इसमें आपका आंसर है चीन, चीन छलांग पर एक श्वेत पत्रकार जारी किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत और किस देश के बीच 26 मार्च से मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इसमें आपका आंसर है श्रीलंका का युद्ध अभ्यास आयोजन किया जा रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को हाल ही में किस यूरोपियन देश ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा है? इसमें आपका आंसर है क्रोएशिया, क्रोएशिया सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान से नवाजा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारत से पहले कितने देशों ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल की है? इसमें आपका आंसर है तीन सैटेलाइट मिसाइल बनाने में 3 देशों ने कामयाबी हासिल की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें हाल ही में भारत द्वारा सैटेलाइट तक मार कर सकने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण मिशन के तहत किया गया है? इसमें आपका आंसर है मिशन शक्ति परीक्षण के तहत किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें किस देश ने लूज टू विन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? इसमें आपका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने लूज टू विन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भारतीय नौसेना का अभेद परीक्षण कार्यक्रम किस परीक्षण सुविधा केंद्र में शुरुआत किया गया? इसमें आपका आंसर है आई एन एस शिवाजी सुविधा केंद्र में शुरुआत किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए भारत और किस देश के बीच हाल ही में एक समझौता हुआ है? इसमें आपका आंसर है अमेरिका में एक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस देश ने हाल ही में मार्शल द्वीप में एंटी ICBM प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? इसमें आपका आंसर है अमेरिका का सफल परीक्षण किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें श्रीलंका क्रिकेट ने हाल ही में किस गेंदबाज को IPL में पूरे मैच खेलने की अनुमति दी है? इसमें आपका आंसर है लासित मलिंगा पूरे मैच में खेलने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रदीप सावंत ने उप मुख्यमंत्री सुदीन ढवल लेकर को पद से हटा दिया गया है? इसमें आपका आंसर है गोवा, गोवा को ढवल लेकर पद से हटा दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान चंद्रमायान 2 के साथ किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का एक लेजर उपकरण भी भेजा जाएगा? इसमें आपका आंसर है नासा, नासा का अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के एक लेजर उपकरण भेजा जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइमर वीडियो की तरह किस कंपनी ने खुद की वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है? इसमें आपका आंसर है एप्पल, एप्पल की वीडियो ने स्ट्रीमिंग सर्विस लॉन्च की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? इसमें आपका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उप मुख्यमंत्री सुदीन धवलीकर को 27 मार्च 2019 को कैबिनेट पद से हटा दिया गया है? इसमें आपका आंसर है गोवा। गोवा को धवलीकर को 27 मार्च 2019 को कैबिनेट के पद से हटा दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका किस देश की खोजकर्ताओं ने मृत सागर के नजदीक दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा खोज निकाली? इसमें आपका आंसर है इजराइल ने नमक की सबसे लंबी गुफा खोज निकाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जेट एयरवेज ने अप्रैल 2019 के अंत तक कितने अतिरिक्त विमानों को उड़ाने का लक्ष्य रखा है? इसमें आपका आंसर है 40 विमानों को उड़ाने का लक्ष्य रखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा BOB में विजय बैंक और किस बैंक के विलय से पहले उसमें BOB 5.042 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का फैसला किया है? इसमें आपका आंसर है देना बैंक को डालने में फैसला किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार निरोधी संस्था लोकपाल के नवयुक्त सभी कितने सदस्यों ने 27 मार्च 2019 को शपथ ली है? इसमें आपका आंसर है 8। 8 सदस्यों ने 27 मार्च 2019 को शपथ ली है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बढ़े हुए तापमान के कारण यूरोप, जापान और अमेरिका में पिछले एक वर्ष में कितने लोगों की मौत हुई है? इसमें आपका आंसर है 1600, यानी कि 1600 लोगों की मौत हुई है। यूरोप, जापान और अमेरिका में 1600 लोगों की मौत हुई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने अपने सभी सदस्य राष्ट्रों में एक बार में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? इसमें आपका आंसर है यूरोपियन यूनियन ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें किस भारतीय मोटर कंपनी ने पिछले साल दुनिया में 10 लाख से अधिक गाड़ियां बेचकर भारत की ऐसी पहली कंपनी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? इसमें आपका आंसर है टाटा मोटर्स कंपनी बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कौन सा संस्थान विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन होगा? इसमें आपका आंसर है तासी गंग का पोलिस स्टेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे हाल ही में BCCI का नैतिक अधिकारी बनाया गया है? इसमें आपका आंसर है डी के जैन को BCCI का नैतिक अधिकारी बनाया गया है। आप दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।